वेलकम टू डिजाइन विद अतीत। और आज हम बनाने वाले हैं लोडिंग एनिमेशन। तो लोडिंग एनिमेशन कैसे काम करता है, और हमने न्यूमॉर्फिक डिजाइन बनाना सीखा था इसके पहले, बटन टाइप्स जिसे हम बोलते हैं, ये मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ स्केच। सो आज हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं और हम बनाएंगे लोडिंग एनिमेशन, जिसका डेमो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आज हम उस पर काम करेंगे कि उसे कैसे बनाया जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल, हमेशा की तरह प्रिंसिपल हमें एक बहुत अच्छा फीचर्स देता है साइड बाय साइड व्यूइंग का। जो भी हम यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम उसे यहाँ पे देख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, और मैंने जो आर्टबोर्ड बनाया है न्यूमॉर्फिक डिजाइन का एक मूवी पोस्टर पे, सो हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने मूवी का पोस्टर ले लिया है यहाँ पे, और वापस से मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं आर्टबोर्ड पे लेता हूँ। कमांड प्लस वन दबाएंगे तो पूरा स्क्रीन आपके पास आ जाएगा सामने, और इसको कमांड और स्क्रॉल डाउन करेंगे माउस से तो इसको आप रिसाइज कर सकते हो, और स्पेस बार की हेल्प से एक ही ऐसा थंब वाला आइकन आ जाएगा तो इसको यहाँ पे आप मूव कर सकते हो। तो चलिए इसको रिसाइज करते हैं सबसे पहले, और इसको आर्टबोर्ड पे लेकर आते हैं कि आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। अब ये लगभग फिट हो गया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने एनिमेशन वाले फाइनल पे। और इस पर हम आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं और इसको रिसाइज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है जैसा कि आप देख पाओगे। मेक श्योर कि ये जो क्रॉस चेक है आप इसको हटा दें, ताकि अगर आप हाइट रिसाइज करें तो सिर्फ हाइट ही रिसाइज हो। अब हो गई आपकी हाइट रिसाइज, और आपका आर्टबोर्ड जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है फाइनल वाला। सो चलिए शुरू करते हैं फिर प्रोटोटाइपिंग। हमारा आर्टबोर्ड रेडी है, अब हम कमांड प्लस वन दबाएंगे इसे फिट टू स्क्रीन करने के लिए, और कमांड प्लस स्क्रॉल अप करेंगे या स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा इसमें हम जूम कर पाएंगे। तो अब हम एक सर्किल ले लेते हैं, जैसा कि आपको पता है प्रेस ओ ऑन अ कीबोर्ड और इंसर्ट गो टू सर्किल, इस तरीके से आप सर्किल चूज कर सकते हैं। सर्किल को आप थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, और हम एक काम करते हैं, हम सर्किल का साइज ले लेते हैं 240। आप तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो लॉक कर दीजिएगा, तो जैसे ही आप विड्थ बढ़ाएं हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाए, मतलब कि रिसाइज अकॉर्डिंगली हो। तो 240 बाई 240 का हम यहाँ पे सर्किल ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट का, सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको। तो ये सेंट्रली अलाइन हो चुका है कम्प्लीटली, और हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अलाइन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका फिल कम कर देंगे, हम इसका फिल कम करके एकदम जीरो कर देंगे, ओपेसिटीज की जीरो कर देंगे, ट्रांसपेरेंट बना देंगे इसका पूरा फिल, और हम इसकी बॉर्डर थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। लेट से कलर थोड़ा सा अच्छा वाला जो इस ब्लैक बैकग्राउंड पे सूट करे, और इसकी विड्थ बढ़ा के हम कर देते हैं 20। ऑल राइट, सो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा मुझे भी कमी लग रही है रेडिशनेस की। हाँ, अब ठीक लग रहा है, दिस इज क्वाइट गुड, डिसेंट एंड सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, या चलिए ठीक है रहने देते हैं आर्टबोर्ड और ये वाले सर्किल को। हाँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, ये हम कर सकते हैं कि थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी, ओवरऑल ओपेसिटी कम कर देते हैं, लेट्स से 10%, इतना हल्का ठीक है। और दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इनको एक फोल्डर में डाल देते हैं, यानी कि इनका ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं हम बैकग्राउंड। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ओनली, तो बैकग्राउंड हमने सेट कर ही दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा जो कि राइट की तरफ घूमेगा। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बना देता हूँ। पहले इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, और बैकग्राउंड के बाहर रखना है अपन को, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम राइट, क्योंकि राइट की तरफ घूमेगा। कैसे घूमेगा मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी बढ़ा के हम वापस से 100% कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बैकग्राउंड वाला सर्किल है और एक राइट वाला सर्किल है जो कि एक्चुअल में रोटेट करेगा। अब वो कैसे रोटेट करेगा, सबसे पहले आप लेयर को सिलेक्ट कीजिए, मतलब जो राइट सर्किल है बैकग्राउंड वाले सर्किल के ऊपर जो है। अब आप 3 बार कंट्रोल प्लस जी दबाइए, यानी कि आप इसको 3 फोल्डर्स के अंदर डालिए। कंट्रोल प्लस जी 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बन गए हैं। तो मैं सबसे पहले इसको रीनेम कर देता हूँ, पहले फोल्डर का नाम हम रख देते हैं राइट कंटेनर, और सेकेंड वाले का हम राइट नाम रख देते हैं राइट कंट्रोल, और थर्ड वाले का हम रख देते हैं राइट सर्किल ओनली, और फिर इसके अंदर फाइनली आपका सर्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले राइट कंटेनर पे काम करते हैं, तो राइट कंटेनर पे हम यहाँ पे ऑप्शन आते हैं टचेबल और क्लिप सब लेयर्स। टचेबल अभी हमारा यूज़ नहीं है, तो हम क्लिप सब लेयर्स पे क्लिक कर देते हैं। ये क्या करता है, अपने अंडर जितने भी फोल्डर्स हैं उन सबको साथ में क्लिप कर देता है, यानी कि जो भी काम आप इस पे करोगे इन पे साथ में अप्लाई होगा। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक सब लेयर्स पे, कंटेनर पे। राइट कंट्रोल आप छोड़ देंगे, फिर आप राइट सर्किल वाले फोल्डर पे आएंगे, दोबारा से उसे क्लिप सब लेयर्स करेंगे, और राइट वाला सर्किल भी आप छोड़ देंगे। यहाँ पे वैसे भी ऑप्शन भी नहीं दे रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो देखने वाली बात यह है कि राइट कंटेनर क्लिप सब लेयर्स है और राइट सर्किल भी क्लिप सब लेयर्स है, राइट कंट्रोल क्लिप सब लेयर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट कंटेनर पर क्लिक करेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पूरे सर्किल की विथ है 240। ठीक है, अब इसे डिक्रीज करके हम कर देंगे जस्ट हाफ, यानी कि 120।
120 120। ओके राइट कंटेनर इज 120 नाउ, राइट कंट्रोल जैसा का तैसा ही है और राइट सर्किल पे हम वापस आएंगे और राइट सर्किल को भी हम 120 पे सेट कर देंगे, यानी कि राइट कंट्रोल और राइट सर्किल दोनों 120 120 हाफ विथ के। अब राइट कंट्रोल को या अगर आप पकड़ के रोटेट करेंगे, कमांड दबाएंगे और फिर रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप अपना व्हील रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्हील रोटेशन इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट तरफ का जो सर्किल घूमेगा लोडिंग प्रोग्रेस बार में, वो इस तरीके से घूमेगा। ओके नाउ इसका हम एंगल, ये बेसिकली इसका एंगल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, इसका वापस से एंगल सेट कर देंगे जैसा ये था, यानी कि 0 डिग्री पे, ठीक है। अब राइट सर्किल का पूरा काम खत्म हो गया। अब इस तरीके से इसके आगे भी बढ़ेगा सर्किल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे का डुप्लीकेट बना लेते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, राइट कंट्रोल पे वापस से क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस सी दबाना है, कंट्रोल प्लस बी दबाना है, मतलब कि जस्ट कॉपी पेस्ट। और फिर इसको हम रीनेम करेंगे लेफ्ट से लेफ्ट कंटेनर, लेफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट सर्किल, लेफ्ट सर्किल, ठीक है। और इसको भी रीनेम कर देंगे हम लेफ्ट करके, ओनली लेफ्ट। अब जो हमने यहाँ पे किया था क्लिप सब लेयर्स का ऑप्शन चेक, यहाँ पे ऑलरेडी वो आपको चेक मिलेगा, अनचेक नहीं मिलेगा। लेफ्ट कंट्रोल अनचेक है जैसा कि हमें चाहिए, लेफ्ट सर्किल भी अनचेक है, ऑल आर परफेक्ट। और लेफ्ट सर्किल जो है उस पर हमें कुछ काम ही नहीं है। अब लेफ्ट कंटेनर जो है हमें इसे उठा के थोड़ा सा इसको लेफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा सर्किल का शेप ले लें, ठीक है। ये पूरा सेंटर में आ गया है, बीचों बीच मतलब एकदम लेफ्ट में अलाइन है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब लेकिन ये इस तरीके से है तो हमें इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो ये मास्क है, पूरा जो फोल्डर है, इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो नाउ इट इज़ अ कंप्लीट सर्किल। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा गैपिंग आ रही है, तो आप इसका एक्स एक्सिस चेंज करके 87 है, राइट, ओके, आप इसे बढ़ा के 88 कर दीजिएगा, तो ये आपका जो गैप है वो ऑटोमेटिक आपका फिल हो गया, यहाँ पे भी आपको गैप नहीं दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइनली प्रोटोटाइपिंग। इस तरीके से हमने अपना तीनों डिज़ाइन बना दिए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन। रेडी है, अब हम करने वाले हैं एनिमेशन। तो एक बार हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट कंट्रोल हमारा 180 है, ठीक है, और राइट कंटेनर राइट कंट्रोल हमारा है -180, ओके नाइस, नो प्रॉब्लम। अब हम इस आर्टबोर्ड को रेप्लिका बनाने वाले हैं, यानी कि जो लोडिंग हमारी 0% है वो 50% हो जाए। तो कैसे हो, हमें टैप करना पड़ेगा ऑटोमेटिक को, तो हम इवेंट सेलेक्ट करते हैं, आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके इसी पे ही रेप्लिका बनाएंगे, टैप वाला इवेंट डालेंगे कि हम जब टैप करें तो 0% से 50% तक लोडिंग हो जाए। तो अब हम राइट वाले कॉर्नर पे आएंगे, राइट वाले सर्किल पे आएंगे, तो राइट वाला सर्किल सेलेक्ट करके कंटेनर पे जाके कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे -180 है, यानी कि 0। अब हम इसको चेंज करके कर देंगे 0 डिग्री। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है दिखने में, और हम एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन विंडो पे, कि एक्चुअली हमारा कैसा एनिमेशन दिख रहा है। टैप किया 50%, वापस से चेक किया, टैप किया 50%। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें 50% से कहानी आगे बढ़ानी है, तो अब आर्टबोर्ड 2 का भी काम नहीं है। अब हम फिर से टैप वाला इवेंट, एक इवेंट डालेंगे। अब टैप वाला इवेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हमें 50% पे वापस से टैप नहीं करना है, यहाँ से कहानी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। तो हम ऑटोमेटिक वाला इवेंट चूज करेंगे और आर्टबोर्ड 2 पे ही वापस से क्लिक करेंगे तो उसका रेप्लिका बन जाएगा। अब आर्टबोर्ड 1 का काम नहीं है, 2 का काम नहीं है, 3 का काम है। तो आर्टबोर्ड 3 पे हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट वाले कंटेनर पे वापस से क्लिक करेंगे, अब हमें इस वाले सर्किल का काम है और कंटेनर तो ठीक है। कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे जो उसका एंगल -180 डिग्री है वो कर देंगे हम 0 डिग्री, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, ऑल द थिंग्स आर नॉट डन, आर्टबोर्ड 1 2 3 हमारा तीनों काम हो चुका है। तो हम इस पर प्रीव्यू करते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे कि हमने किया टैप 0 से 50, फिर से हमने चेक किया टैप 50% और 0। अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी एनिमेशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 50% पे, तो उसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, छोटी सी है। हम इवेंट पे क्लिक करेंगे और ये रहे इवेंट, और अगर आप इसे देख पा रहे हो इसको इंक्रीज कर देंगे हम, इसका टाइम कर देंगे 1 सेकेंड एटलीस्ट, और टाइप ऑफ एनिमेशन रहेगा इसका लीनियर, यानी कि एकदम स्लोली, कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। और वापस से हम आर्टबोर्ड 2 पे क्लिक करेंगे और इसका भी हमें टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 सेकेंड कर देंगे, और टाइप ऑफ एनिमेशन रहेगा लीनियर। ऑलराइट, नाउ दिस इज डन कम्प्लीटली। अब एक बार फिर से चीज़ें चेक कर लेते हैं, ये हमने रिवर्स किया, टैप किया, परफेक्ट। सो दिस लुक्स क्वाइट परफेक्ट। एक बार आप अपने एंड से भी इसको चेक कर सकते हैं, वापस से रिवाइंड करेंगे और प्ले करेंगे आर्टबोर्ड पे,
एंड दिस लुक्स क्वाइट अ गुड थिंग. सो दिस इज ऑल टूडेज हार्डवर्क, माई हार्डवर्क एंड योर लर्निंग. सो आप इसे ट्राई करिए और प्रिंसिपल नाम का टूल जरूर इंस्टॉल करिए. अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंसिपल इज़ वेरी गुड. अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो एडोबी एक्सडी पर भी काम कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल इज़ वेरी मच नाइसर देन एडोबी एक्सडी एंड ऑल. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू गेट लर्न एवरी डे और इंक्रीज योर लर्निंग. थैंक यू सो मच. गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़.